सेंटर सरकार नूं समझण दी लोड़ है। पंजाब नाल ही धक्का की हुंदा, पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नाल ही धक्का की हुंदा, होर कि स्टेट नाल क्यों नहीं हो रहा। यह विचार कल्ले कल्ले दिल विच आने चाहिए है भी सिर्फ पंजाब ही क्यों। असी जब वारसे पंजाब दे आ, सानू अपने पंजाब च हक है नहीं। असी पंजाब च अपने दिल खोल के कोई आवाज नहीं चक सकते, दिल खोल के कोई काम नहीं कर सकते। पंजाब लई सानू जेलां दा ड्राबा दे के डराया जाता। एजुकेशन की लोड़ है सख्त सानू, क्योंकि जिन्ना चिर असी अपने पंजाब का इतिहास नहीं पढ़ते, जिन्ना चिर असी अपने पंजाब नू समझते नहीं साडे विच किन्हां दा खून आ, असी क्यों पंजाब च जम्मे हाँ, उन्ना टाइम पंजाब का कोई हल नहीं। आपां नू सारयां नू एक झंडे थले कट्ठे होण दी लोड़ है, किले शिकवे छड्डण दी लोड़ है। जदों साडा सारयां दा, सारे सिख दा, खालसे दा टीचा ही एक है, तो सानू एक होण लई एक झंडे थले आउण दा डर किस गल दा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी इत्थे सारे कट्ठे होए हैं जी साडे बंदी सिंघां वास्ते, साडे उन्हां योधियां वास्ते जो पंजाब लई, जो पंथ लई, अपनी कौम लई लड़दे सी, ते जबर जुल्म लई लड़दे सी। सरकारां तों उह जरे नहीं गए, जां पंजाब साडा सुधरदा उन्हां तों जरिया नहीं जांदा। सानू रोकण लई उह कोई ना कोई हथकंडा अपनाउंदे रहिंदे आ। सानू सेंटर सरकार नूं समझण दी लोड़ है। पंजाब नाल ही धक्का की हुंदा, पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नाल ही धक्का की हुंदा, होर कि स्टेट नाल क्यों नहीं हो रहा। यह विचार कल्ले कल्ले दिल विच आने चाहिए है भी सिर्फ पंजाब ही क्यों, पंजाब दी जवानी ही क्यों टारगेट की जाती है। होर भी जवानियां ने, वह खुशहाल ने, पर पंजाब दी जवानी नूं चिट्टे दे ला के सोशल मीडिया से नचा के योधियां विचों बहादरी खत्म की जा रही है। जे कोई सिखी दे राह ते चलदा उन्हूं जेलां दा ड्राबा दिता जांदा। ये क्यों वारस पंजाब दे, असी जब वारसे पंजाब दे आ, सानू अपने पंजाब च हक है नहीं। असी पंजाब च अपने दिल खोल के कोई आवाज नहीं चक सकते, दिल खोल के कोई काम नहीं कर सकते। पंजाब लई सानू जेलां दा ड्राबा दे के डराया जांदा भी असी अपने पंजाब लई कुछ ना कर सकीए। जिवें दा साडा पंजाब बर्बाद हुंदा हुंदा रहे पर कोई आवाज ना चके। ये गल क्यों इदा क्यों कर रहे साडे नाल, यही मसला आ, यही मेन जड़ है भी साडे नाल ही क्यों किया जाता, पंजाब नूं ही क्यों दबिया जा रहा। जिन्हें नौजवान मेरे वीर मेरी आवाज सुनते आ, जवानी है इहनूं किसे लेखे लाउण दी लोड़ है। नशे छड्डो, गुरु दे लड़ लगो मेरे वीर। मेरी यही बेनती है जवानी व्यर्थ ना करो, जोरी लाना पंजाब लई ला लो। पंजाब दे बहुत मसले है, पानी का मसला आ, फसलों का मसला आ, नस्लों का मसला आ। हरेक मसले ते कोई ना कोई नौजवान अपना विचार रख सकता, अगे आ सकता। एजुकेशन की लोड़ है सख्त सानू, क्योंकि जिन्ना चिर असी अपने पंजाब का इतिहास नहीं पढ़ते, जिन्ना चिर असी अपने पंजाब नूं समझते नहीं साडे विच किन्हां दा खून आ, असी क्यों पंजाब च जम्मे हाँ, उन्ना टाइम पंजाब का कोई हल नहीं। आपां नूं सारयां नूं एक झंडे थले कट्ठे होण दी लोड़ है, गिले शिकवे छड्डण दी लोड़ है। जदों साडा सारयां दा, सारे सिख दा, खालसे दा टीचा ही एक है, तो सानू एक होण लई एक झंडे थले आउण दा डर किस गल दा। गिले शिकवे दूर करे जाण, बह के संगती रूपी आपां संगत रूप करके अपने जिन्हां नाल जिसनूं गिला आ दूर करके अपने टीचे वल ध्यान दईए। क्यों नहीं हो सकता हल, क्यों नहीं आपां घरां चों निकलदे? आपां अग्गे छड्ड दिंदे आ वी उह करूगा अपना हल, एक नूं अग्गे कर दिंदे आ। जदों तुहानूं पता आ वी रल के ही हल होणा, जे सानूं सिर देणा ही आ गया तां हल ही हल है, किस चीज़ का हल नहीं हो सकता? हो सकता जी, फतेह बुला के दसो जी, वाहेगुरु जी का खालसा। हर चीज का हल है जे करिए, संगत रूपी बह के विचारीए। आओ हरेक थां जिथे थोनू लगता अपने हकों की लड़न की लोड़ है, घर च बह के नहीं हक मिलने,
ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਰੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜੰਮਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਏਕਤਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਗੱਬੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 100 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਰਲ ਕੇ 2-4 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ, ਸੰਥਿਆ ਦੇਈਏ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਾਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੂ ਨੌਜਵਾਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।